वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है सोएब और दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी चीज़ आप सभी स्टूडेंट के साथ यहाँ पे हो रहा है। हालांकि आपकी इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है, तो मुझे लगा कि इस पर एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करनी थी। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करी थी बोनाफाइड सर्टिफिकेट को लेके, उसको लेके अभी स्टूडेंट के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इवन हमारे जो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर है वो भी हमारी वीडियोस देखते हैं, उनको भी ये पता नहीं चल रहा है कि फॉर्म को एक्चुअली में वेरीफाई करना है या नहीं। क्योंकि अगर बात करें डिफरेंट टाइप की स्टूडेंट की प्रॉब्लम की, तो अभी हमारे सामने एक स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये है, यहाँ पर लिखा होगा कि डिफेक्टेड। यहाँ पर देख पा रहे होगे ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एडिटेड आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है रिमार्क में, बोनाफाइड सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाई रजिस्ट्रार डीन प्रिंसिपल द कॉलेज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इज नॉट वैलिड, प्लीज वैलिड बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड द स्कैंड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास्ट नॉट अपलोडेड। ये तरीके से, ये दूसरी इशू तो इनका छोड़ो, पहला इशू जो लिखा हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाई द रजिस्ट्रार डीन प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये चीज़ें लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन टेकन में अप्लीकेशन इज मार्क एज अ डिफेक्टिव बाई इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, तो अब स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है यार। लास्ट डेट अभी देख पा रहे होंगे, अगर प्री मैट्रिक की बात करें तो 7 दिन 6 दिन बचा हुआ है और इट माइट बी एक्सटेंडेड, बट हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो हमारी पोस्ट मैट्रिक की डेट है, जो हमारी बी ए बी एस सी एम एस सी बी टेक एम टेक जो भी करते हो, मतलब 12 के बाद से कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है और जो वेरिफिकेशन की डेट है 15 नवंबर तक है, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट के मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। चलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ और ये चीज़ें मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल तौर पर बताने वाला हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल जिसका कोई हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल मैं आपको एक्जैक्टली सारी चीज़ें बताऊंगा। यह है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ऑफिशियल साइट और देख सकते हो दोस्तों, ये स्टूडेंट विदाउट बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड किया है, जिनका स्टेटस अभी है एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एज इंस्टीट्यूट लेवल। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आप जैसे मान लो कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे कि मान लो आपके डॉक्यूमेंट यहां पर 400 कर रहा है, 1 2 3 4, मान लीजिए आपके 300 कर रहा है, 1 2 3, मान लीजिए आपके 200 कर रहा है, 1 2 3, मान लीजिए आपके 100 कर रहे हैं, आपको एक फॉर्म एक डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे करना है चूज फाइल पे और व्यू डाउनलोड पे जाके चेक कर लेना है दिस इज एग्जैक्टली योर डॉक्यूमेंट और नॉट। अगर आपको क्लियर हो जाता है फिर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हो। फाइनल सबमिट जैसे करोगे उसके बाद से आपका कॉलेज में चला जाएगा, कॉलेज में जाने के बाद से आपकी अप्लीकेशन को अपने इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर से कहना है कि हमारे फॉर्म को क्या करिए, वेरीफाई कर दीजिए। इसके पहले दोस्तों आपको एक और चीज़ करना है, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आना है, यहाँ पे आने के बाद से नीचे आना है पब्लिक कॉर्नर में, ठीक है। पब्लिक कॉर्नर में आने के बाद से यहाँ पे देख सकते हो स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टूल है, इस पर क्लिक करने की कोशिश करना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करोगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको आपको पूरी प्रैक्टिकल वे में आपको फिल करनी है, जो आपने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को फॉर्म फिल करने के टाइम भरा था पूरा डिटेल आप फिल करोगे। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्कीम शो कर देगी, जिस स्कीम में आप एग्जैक्टली इस टाइम आप इनरोल हो, मतलब इसमें अप्लाई की हो। और यहीं पर इसके बगल में व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्कीम में पर्टिकुलर आप को कौन कौन सी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम होगा गाइडलाइंस पढ़ने के लिए, और बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस हैं जो अपडेटेड नहीं है। फिलहाल के लिए ये चीज़ आपको पता चल गया कि इसमें कितने डॉक्यूमेंट है। अगर मान लो आपने इसमें 4 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, आपके पास 3 डॉक्यूमेंट है, तो आप 3 डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए फाइनल सबमिट, और जो 4 डॉक्यूमेंट दिया रहा है वो 4 डॉक्यूमेंट को और जितने डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया था वो सारे लेके इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को लाके उनको दे दीजिए, ताकि वो अपने एंडिंग से वेरीफाई जरूर कर लें, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे करोगे एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरीफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद आपके इंस्टीट्यूट वाले आपके सॉफ्ट कॉपी जो होगा हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी अगर अपलोड किए होंगे यहाँ पे तो ठीक है, अदरवाइज जितना डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो कर रहा है बाकी हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट के पास देंगे तो इंस्टीट्यूट वो आपकी वेरीफाई करेगा, फिर आपकी एप्लीकेशन की स्टेटस हो जाएगी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन विद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। ये कोई ऐसा वैसा स्टूडेंट नहीं है, इनके साथ भी बोनाफाइड का इशूज आया था, बट इन्होंने सबमिट ही नहीं किया बोनाफाइड, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस वाले हैं जो अपने फॉर्म को पूरी तरीके से इस तरीके से रिजेक्ट कर दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। भाई बोनाफाइड दिख ही नहीं रहा है तो आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, स्टूडेंट को क्यों परेशान कर रहे हो। ये वीडियो आपको अपने कॉलेज के इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को दिखाना है, जैसे भी करके उनको बताना है, तभी जाके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अभी देख सकते हो जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट पे चला गया, तो स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हो एप्लीकेशन फाइनल, यहाँ पे एक दूसरा स्टूडेंट हरिओम कुमार, इनका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। इन सभी स्टूडेंट का फॉर्म क्यों आगे वेरीफाई हो रहा है, इंस्टीट्यूट चलो मान लीजिए उन्होंने वेरीफाई कर दिया, डिस्ट्रिक्ट अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई दिक्कत होता तो डिस्ट्रिक्ट वाला तो डिफेक्ट जरूर करता या फॉर्म को रिजेक्ट करता, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट ने भी वेरीफाई कर दिया है, मतलब कि बोनाफाइड की नीड नहीं है,
बोनाफाइड की नीड सिर्फ आपको अगर इसमें, अगर आपके स्कीम में शो कर रहा है, अगर बोनाफाइड शो कर रहा है तो वेल एंड गुड, आप सबमिट करिए। नहीं शो कर रहा है मत करिए, आप फाइनल सबमिट करिए। जितने डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं आपको फाइनल सबमिट करने हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जैसे कि ये स्टूडेंट अभी तक यहाँ पे अपनी संशय में है, अभी ये काफ़ी ज़्यादा ये अपनी दुविधा में है कि इसको फाइनल सबमिट करना है या नहीं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप वीडियो को देख रहे होंगे तो फाइनल सबमिट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट डेट आप देख पा रहे होगे कि अगर ये डिफेक्टिव वेरिफिकेशन डेट चला गया ना तो आपका ये स्कीम क्लोजिंग डेट भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि डिफेक्टिव वेरिफिकेशन के पहले होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट पेरोल ऑफिसर डिफेक्ट करता है तो फिर आप फाइनल सबमिट कैसे करोगे, क्योंकि स्कीम क्लोजिंग डेट ऑलरेडी क्लोज हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिएगा जो भी आपका स्कीम है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी स्टूडेंट का यहाँ पे स्टेटस दिखाया हो ना, इनका भी तो फाइनल वेरीफाइड हो गया किसी ना किसी रीजन से। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद से जैसे कि मैंने बताया आपको जो भी आपका स्कीम है, फिलहाल के लिए मुझे पता चल रहा है जैसे कि एक दो स्कीम का, तो स्कीम ऑन एनएसपी पे क्लिक करता हूँ। और जैसे सेंट्रल सेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि परसों कल की वीडियो में मैंने बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड यहाँ पे देख पा रहोगे जिसकी आप गाइडलाइंस में यहाँ पे चेक करने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि ये एक्चुअली मैं यहाँ पे एफएक्यू में क्लिक करता हूँ और 6 पेज नंबर पे आता हूँ, सॉरी 7 पेज नंबर पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेश के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, रिन्यूअल के लिए ये डॉक्यूमेंट। अब कहोगे कि पुराना है, तो भाई साहब यहाँ पे पुराना नहीं है, आप ऊपर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एफएक्यू 2024-25। तो हमने गाइडलाइन से भी दिखा दिया, एलिजिबिलिटी टूल से आप चेक कर सकते हो, और ऐसे में इतने सारे स्टूडेंट का प्रूफ भी दिखा दिया कि उनके फॉर्म वेरीफाई हो रहे हैं। मतलब अगर उनको बोनाफाइड कंपलसरी रहता, अगर टेक्निकल ग्लिच होता, टेक्निकल ग्लिच है आई नो, बट इतना भी टेक्निकल ग्लिच नहीं है हर एक स्टूडेंट के साथ, हर एक स्कीम के साथ, कि आप बैठे रहो और पता चले डेट बाहर चली गई, निकल गई। तो आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी स्टूडेंट अपने फॉर्म को सबमिट किए हैं, एक डॉक्यूमेंट दो डॉक्यूमेंट जितने भी दिखा रहे हैं, आप पहले एलिजिबिलिटी टूल से देख लीजिए कि आपके कितने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। अगर बेहतर तरीके से गाइडलाइंस आप रीड आउट कर रहे हो तो भी पता चल जाता है, ठीक है। तो उसके तहत आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारे आप फॉर्म उनको क्या कर सकते हो, उनको ऑफलाइन दे सकते हो और बाकी वो अपने एंडिंग से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको एक छोटी सी मैं चीजें बता देता हूं, आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बाकी आप देख पा रहोगे एक कमेंट में लिंक पिन होगा। इसके साथ ही मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, बोनाफाइड स्टूडेंट को जरूरत है, जैसे कि यहां पे आप देख पा रहोगे मेरे टेलीग्राम में ये लिंक यहाँ पे पिन है, जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, इसका एक फॉर्मेट है मेरे पास, ठीक है। अब इसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, जहां से आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे और यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर इंस्टा पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, काफ़ी दिन से मैसेज किया, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ सभी के लिए मैसेज का ऑन टाइम रिस्पॉन्ड कर दूँ, बगल अगर आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हो, छोटा सा आप अमाउंट पे करके आप हमसे इस प्रोग्राम के तहत जुड़ सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे कोई भी इशू आता है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए तो इंस्टाग्राम पे भी आप इससे पूछ सकते हो। और ये देख सकते हो इतने स्टूडेंट का मैंने एक पूरा एक्सेल शीट बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और सारे स्टूडेंट का ट्रैकिंग रखता हूँ, और सारे स्टूडेंट का अपने एंडिंग से फॉर्म फिल करना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मेरे एंडिंग से होती है। मैं यहाँ पर प्रेशर नहीं बना रहा हूँ कि आप ये प्रोग्राम ले लीजिए, भाई आप अपने एंडिंग से कर सकते हो, वीडियो देख के कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इंस्टाग्राम पे पूछ के कर सकते हो, बिल्कुल करो, कोई जरूरी नहीं है ये प्रोग्राम लेना। बाकी जिनको अगर टाइम की कमी है या फिर कोई और भी इश्यूज है तो वो ले सकते हैं, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। फिलहाल के लिए दोस्तों एक छोटे से वीडियो में आपका यहीं तक इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना था, ताकि आपको बताया जाए बोनाफाइड सर्टिफिकेट का एक्चुअल मतलब क्या है, ये अपने इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को आपको खुद ही बताना पड़ेगा। और ऑफलाइन बोनाफाइड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो मैंने बताया, जहाँ से आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन होगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके ये डॉक्यूमेंट बोनाफाइड उनको दे सकते हो कि भाई आपको बोनाफाइड की नीड है, ले लीजिए, लेकिन फॉर्म को डिफेक्ट मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम निकल चुका है और फाइनल सबमिट किसी का हो चुका है, फाइनल वेरीफाई हो गया है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से, और आप अभी अपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, ऐसे में आप देख पा रहे हो कि भीड़ से कितना पीछे आप है, तो आपको आगे निकलना होगा। तो आप जैसे भी करके, तो इस छोटी सी वीडियो के लिए वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आई होप सो, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।